प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सुबह 11 बजे सायरन बजाकर जनता को मास्क पहनने व कोरोना गाइडलाइन को पालन करने का संकल्प दिलाया गया। जबलपुर में भी इस अभियान के तहत पुलिस ने भी सायरन बजाकर अभियान की शुरुआत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, जबलपुर की सड़कों पर मंगलवार को पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आया। सुबह 11 बजे पुलिस गाड़ियों ने सायरन बजाकर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। आईजी भगवत सिंह चौहान व एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अमले के साथ जबलपुर की सड़कों पर उतरे। हाथों में मास्क व गुलाब के फूल लिए अधिकारी जनता को मास्क लगाने की अपील करते नजर आए। वहीं बिना मास्क पहनने वालों को जहाँ उन्होंने मास्क वितरित किए, वहीं मास्क लगाए हुए लोगों को गुलाब का फूल देकर उनकी प्रशंसा की। आपको बता दें कि मंगलवार से प्रदेश भर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सायरन बजाकर जनता को मास्क व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संकल्प दिलवाया गया। आईजी भगवत सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह कार्यक्रम रखा था। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है, साथ ही जागरूकता अभियान चलाने की शुरुआत की है। सर, आज सायरन बजाया गया है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम? आज ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये 11 बजे कार्यक्रम रखा गया था और हम लोगों ने सारे पुलिस अधिकारी चौराहे पे, अलग अलग चौराहों पे हम लोगों ने ड्यूटी लगा के कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क वितरण का कार्यक्रम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से थे, वो समझाइश दी जा रही है। मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरी सभी से यही अपील है, जनता के प्रत्येक नागरिक को हमको स्वयं जिम्मेदार, स्वयं रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, सतर्क रहना है, कोरोना के गाइडलाइंस का हमें पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने पिछले सप्ताह चालानी कार्रवाई भी की थी, दंडात्मक कार्रवाई की थी, पर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। तो अभी हमने जागरूकता अभियान चलाने का ये शुभारम्भ किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि अभियान में लोगों को मास्क, फूल व सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग इससे जागरूक होंगे और मास्क में नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को एक साथ होने की जरूरत है। मास्क कोरोना प्रिवेंशन के लिए कितना जरूरी है, 2 मिनट के हॉर्न के उपरांत करीबन 25 से 30 इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को हमने रोक रोक के खुद स्वयं अपने हाथों से हमने मास्क बनाए हैं। साथ ही साथ जो मास्क पहनने का अच्छा पालन करते हुए भी काफ़ी लोग दिखे हैं, उनको प्रोत्साहन हेतु हमने फ्लावर्स भी दिए हैं जिससे वो प्रोत्साहित हों। साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। मेरे साथ एडिशनल एसपी ट्रैफिक संजय अग्रवाल, सीएसपी आरडी भारद्वाज, डीएसपी चौकीकर और टीआई ओमती आर बघेल इस अभियान में शामिल। देख रहे हैं मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन काफ़ी फिर भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अभी जागरूकता की ज़रूरत है, उनको आज हमने जागरूक किया है। अब मुझे आशा है कि इस अभियान से लोग, संस्कारधानी वासी जो हैं यहाँ के, जागरूक होंगे और जबलपुर में आपको अधिक से अधिक लोग मास्क दिखते हुए और पहनते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें आपने देखा कि अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने भी हमारी इस अभियान को अप्रिशिएट किया, मास्क पहना और कुछ कुछ ने तो धन्यवाद भी दिया है, और ये बहुत ही पॉजिटिव पहल है। और मुझे आशा है, जैसा मैंने बताया, कि लोग इसको कैच करेंगे और मास्क संस्कारधानी वासी और ज़्यादा भी कोरोना प्रिवेंशन के लिए सबको एक साथ होने की जरूरत है। आप देख भी रहे हैं यहाँ सभी लोग, जिन जिन से हमने निवेदन किया, जागरूकता उनको हमने दी, हमने उनको मास्क बनाया, उन्होंने बहुत सकारात्मक रूप अपनाया, और जो ऑलरेडी मास्क पहन रहे थे उनको भी हमने प्रोत्साहन हेतु रेड रोज दिए। मुझे आशा है इससे अच्छा मैसेज गया है। थैंक यू सर। देखा जाए तो इस अभियान के तहत एसपी बसों से लेकर अन्य गाड़ियों में बिना मास्क वालों को मास्क पहनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।